हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू हानियाज किचन। इस गर्मी के मौसम में एकदम आसान तरीके से ढाबे जैसा कोकोनट क्रीम बनाएं घर पे। कोई आर्टिफिशियल एसेंस नहीं, एकदम नेचुरल तरीके से घर पे कुछ इंग्रेडिएंट्स के साथ मैंने ये कोकोनट क्रीम बनाया है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। कोकोनट क्रीम बनाने के लिए हमें ये सारे इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत लगेगी। एक मलाई वाला नारियल, जितना ज़्यादा मलाई रहेगी उतना ज़्यादा नारियल का टेस्ट आएगा। नारियल का पानी थोड़ा सा हमें चाहिए, ये कुछ 1/4 कप जितना है। एक कप फ्रेश क्रीम, अमूल की क्रीम या घर की फ्रेश क्रीम आप यूज़ कर सकते हैं। ध्यान रखिए कि फ्रेश होना चाहिए। ये है नारियल का गूदा, थिक मलाई वाला नारियल लेना जिसमें ज़्यादा मलाई रहे। गार्निशिंग के लिए मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, उसके थिन स्लाइसेस काट लीजिए। 8 से 10 काजू, इलायची पाउडर 1/4 चम्मच, ये सिर्फ खुशबू देने के लिए मैंने यूज़ किया है। वनीला आइसक्रीम 2 कप, 15 रुपये वाली मैंने ली है। एकदम ऑथेंटिक कोकोनट का टेस्ट अगर आपको चाहिए तो एक ही वनीला आइसक्रीम यूज़ कीजिएगा। 3 से 4 टेबलस्पून पीसी हुई शक्कर, अगर आपके पास पीसी हुई शक्कर नहीं है तो नॉर्मल शक्कर भी आप 4 से 5 टेबलस्पून ले सकते हैं। अब हम सारे इंग्रेडिएंट्स को ग्राइंडिंग जार में ले लेंगे। जितना ज़्यादा नारियल की मलाई रहेगी उतना अच्छा टेस्ट आएगा। नारियल का पानी ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि हमें थिक कंसिस्टेंसी चाहिए। ठंडा पानी या आइस क्यूब्स हम इसमें नहीं डालेंगे, नहीं तो ये पतला हो जाएगा। अगर आपको फ़ौरन पीना है और चिल्ड चाहिए तो आप नारियल का पानी है उसका आइस क्यूब्स बना लीजिए और वो इसमें डाल दीजिए। नहीं तो आप बनाने के बाद आप इसे फ्रिज में रख दीजिए, 1-2 घंटे बाद आप इसे पीजिए, बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब ये सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। जितना ज़्यादा ग्राइंड करेंगे उतना अच्छा टेस्ट आता है। कम से कम आप 10 से 15 मिनट इसे ग्राइंड कीजिए। देखिए, हम ये सारे इंग्रेडिएंट्स को ग्राइंड कर लिया है। ऐसी इसकी थिकनेस होनी चाहिए, एकदम थिक होना चाहिए। अब इस क्रीम को हम नारियल में पोर कर लेंगे। गर्मी के रमज़ान में इसका मज़ा ही कुछ और है। ये बहुत ही फ़ायदेमंद के साथ एक साइड स्वीट डिश भी है, आप इसे रमज़ान में ज़रूर ट्राई कीजिए। अब हम इसे शादी या ढाबे जैसा लुक देंगे। थोड़ा सा नारियल हम साइड से गिरा देंगे और ऊपर से ड्राई फ्रूट से गार्निश कर लेंगे। साइड से भी हम ड्राई फ्रूट्स लगा देंगे। ये लो, एकदम ढाबे जैसी कोकोनट क्रीम रेडी है। आप इसे फ्रिज में रख दीजिए और 1-2 घंटे बाद ठंडा होके पीजिए। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। आपको रेसिपी हमारी कैसी लगी कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अल्लाह हाफिज़।